हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी पूजा व्लॉग्स। सो दो दिन के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 8 मंथ का डेली रूटीन, अभी कैसा चल रहा है वो, और दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ, अभी मेरा 8 मंथ में रूटीन कैसा चल रहा है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अभी तो फिलहाल मेरा नहा के वगैरह हो चुका है, अभी मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और तैयार भी हो चुकी हूँ थोड़ी सी। तो बेडरूम थोड़ा सा मेसी हुआ है तो वो मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है, और ब्रेकफास्ट के बाद की जो मेडिसिन है वो भी मैंने खा ली है। आगे मेरा डेली रूटीन अभी मॉर्निंग से नाइट तक का डेली रूटीन मेरा कैसा रहता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं फटाफट से बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ देखिए डेजी सो रही है, तो यहाँ देखिए डेजी अभी कैसे बैठी हुई है, अभी सो रही थी और अभी जग गई। इसको ना थोड़ी सी भी कुछ भी आवाज आती है ना तो तुरंत जग जाती है, तो अभी हम इसे सोने ही देते हैं नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी फिर। तो अभी मैं बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, और आगे मैं मतलब क्या क्या मेरा कैसा डेली रूटीन है 8 मंथ का वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी मेरा 8 मंथ शुरू होके 15 दिन हो चुके हैं, और अभी बोलते हैं कि जितना हो सके उतना हमें एक्टिव रहना चाहिए, जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही हमारा बेबी भी अंदर एक्टिव रहेगा और अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा। वैसे भी 1st मंथ से ही मेरी प्रेगनेंसी सुपर एक्टिव रही है, मैं बिल्कुल भी कभी भी लेजी जैसा मुझे फील नहीं हुआ। प्रेगनेंसी में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है वॉमिटिंग नोशिया की। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारा बेबी अंदर एक्टिव रहेगा, और उसे जो पोजीशन लेनी होती है हेड डाउन की वो भी वो इजीली ले पाता है अगर हम एक्टिव रहते हैं। अभी मुझे 32 वीक स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ ही दिन बाकी है बेबी को आने के लिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती रहती हूँ, अपने पास एक बॉटल भर के रखती ही हूँ, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी 8 मंथ स्टार्ट हुआ है और अभी हमारे बॉडी में एमनियोटिक फ्लूड का अच्छे से बराबर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड बीच बीच में हमें फ्रूट्स खाते रहना चाहिए। दिन में हमें 2 फ्रूट्स तो ज़रूर खाना ही चाहिए। तो मैंने घर पे नीचे बैठ के पोछा लगाना भी अभी स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं मॉप से पोछा लगाती थी, बट खड़े होकर जितना हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उतना हमें नीचे बैठकर पोछा लगाने में इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं कोशिश तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कर रही हूँ, बट अभी जो होगा वो तो होना ही है, बट हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो इसलिए मैं मॉप से पोछा नहीं लगाती हूँ, अभी नीचे बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैं लंच कर रही हूँ, और मेरा 8 मंथ में डाइट फुल डे का कैसा है वो अगर आपको देखना है तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तो मैं खाना वगैरह खा के मेडिसिन वगैरह खा के फिर वॉक करने लगी, क्योंकि वॉकिंग इज़ बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में वॉक करना। और जैसे ही हमारा लास्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम में तो वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए मैं दोपहर को आधा घंटा और रात को आधा घंटा वॉक करती ही हूँ। तो दोपहर को हमारा मूवी टाइम हो चुका है, और हमने देखी बाईपन भारी देवा मूवी, और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया पॉपकॉर्न के साथ। यार देखिए डेजी भी आज हमारे साथ वॉक करने के लिए आई है।
तो यहाँ अभी डिनर वगैरह होने के बाद हम टेरेस पे गए थे वॉक करने के लिए, और यहाँ देखिए डैडी भी आ जाए हैं और प्रिंस को देखिए कितनी ज़्यादा आज मस्ती कर रहा है। इसको सिर्फ डैडी के साथ मस्ती करना होता है, ये हमारे साथ भी इतनी मस्ती नहीं करता है। और ये देखिए कैसे डैडी के पीछे पीछे ही भाग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाडला है ये मम्मी डैडी का। तो फिर हम चारों ने वॉक किया और प्रिंस भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है टेरेस पे, तो इसलिए हम उसे लेके ही जाते हैं और वो घर पे बैठता ही नहीं है, उसको आना ही होता है हमारे साथ। मेरा वॉकिंग वगैरह करके भी हो चुका है और अभी अभी हम नीचे आए हैं, मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली है और यहाँ देखिए मेरे पास ही बैठना होता है इसे, हर बार वीडियो में मेरे पास ही होती है। और वहाँ डेजी बैठी है, डेजी गुड नाइट। अभी मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली है, क्या चाहिए, बैठो इधर, बैठो मेरे पास। दोपहर को फिर हमने मूवी वगैरह देखा और फिर मैं दोपहर को आज नहीं सोई, मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आम्ही आज जी मूवी बघितली बाईपण भारी देवा, खरंच खूपच छान मूवी आहे, प्रत्येक स्त्रीने ही मूवी बघितली पाहिजे, कारण आपण स्त्रिया आपल्या आयुष्यात आपल्या संसारात आपल्या मुलांमध्ये पण एवढी बिझी असतो की आपण आपल्यासाठी स्वतःसाठी आपल्याला टाईमच नसतो, आणि प्रत्येक स्त्रीने ही मूव्ही बघितली पाहिजे, खूप छान स्टोरी आहे, खूप छान प्रेझेंट केलं आहे। तर तुम्ही सगळ्यांनी ही मूव्ही नक्की बघा, तुम्हाला खूप आवडेल, आणि आम्हाला मम्मीला आणि मला तर खूपच आवडली ही मूव्ही, खूप छान आहे। तुम्हाला असं वाटत असेल की मी आज मराठीमध्ये का बोलते, तर आम्ही घरामध्ये मराठीच बोलतो पण मी व्हिडिओज हिंदीमध्ये शूट करते, कारण आपल्या यूट्यूब फॅमिलीमध्ये हिंदी ऑडियन्ससुद्धा आहे, तर त्यासाठी मला हिंदीमध्ये व्हिडिओ शूट करावे लागतात। आज का दिन का रूटीन आपको मैंने दिखाया, क्या क्या मेरा सब कुछ एट मंथ में कैसा होता है, तो अभी मैं वीडियो को यही पेंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।